जवाब दीजिए, क्यों आप हिमाचल का माहौल खराब करना चाहते हैं? अगर हिमाचल का मुस्लिम जो है वो कह रहा है कि हम इस अवैध ढांचे को तोड़ेंगे, आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं? आप माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए विवेक शर्मा भी कह रहे हैं। विवेक शर्मा जी बड़े सम्माननीय हमारे लिए, एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं विवेक जी को ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो कुरान का हवाला दिया और संविधान का हवाला दिया है, कुरान बिल्कुल सही है कि जो डिस्प्यूटेड जगह है उस पर इबादत नहीं हो सकती और वहां पे मस्जिद भी नहीं रह सकती, लेकिन सबसे पहले आप ये तो साबित करेंगे कि ये डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड सिर्फ इसकी जो चौथी और पांचवी मंजिल बनाई गई है, जिसके लिए 40 पेशियों के नोटिस आए हैं, उसको हम डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, लेकिन जो 125 साल पुरानी मस्जिद है जहां पे इबादत हो रही है, वो हमारे लिए पहले भी पवित्र थी, आज भी पवित्र है और हमेशा पवित्र रहेगी। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि भी ये हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं है, तो विवेक जी मैं आपको चुनौती देता हूं कि मैं भी अपना शजरा नसब लेके आता हूं, आप भी अपना दिखाइए या कमल गौतम जी दिखाइए कि आपका शजरा कहां से मैच करता है और मेरा शजरा कहां से मैच करता है। तीसरी बात, जो हिमाचल प्रदेश के 99.9% मुसलमान है वो इस चीज के खिलाफ है कि मस्जिद को तोड़ा जाए, मस्जिद का डेमोलिश किया जाए मस्जिद को। ये जो लतीफ जी कह रहे हैं ये सिर्फ 2-3 लोगों की राय हो सकती है, ये किसी कमेटी के ना पहले अध्यक्ष थे ना आज अध्यक्ष है, ना इनकी कोई कमेटी। चलो ठीक है, ठीक है, आप नहीं मानने वाले मौलाना जी, आप नहीं मानेंगे मुझे पता है। कमल गौतम जी, जी अनिल जी, मुझे अफसोस नहीं, मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास आऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि ये अपना वो बताएं, तो मैं कहना चाहूंगा हमारा डीएनए टेस्ट जब होगा तो हमारा डीएनए जो है वो हिंदू पूर्वजों का ही निकलेगा, और मैं आपको कहना चाहूंगा आप भी अपना डीएनए टेस्ट करवाइए, आपका जो डीएनए है वो भी हिंदू पूर्वजों का ही है, जरा पता कीजिए जाकर के, आपकी 2-4 पीढ़ियां पहले जो है आप भी हिंदू ही थे, और कोई रामलाल या श्यामलाल ही आपका धर्म होगा, आपको इसलिए पता है हमें अपना नहीं। हाँ ठीक है, नजाकत अली जी, तभी कह रहा हूँ कि आप ये जो पीछे जा रहे हैं ना, जो पीछे जाएंगे तो बहुत चीजें इतिहास में निकल करके आएंगे, और इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहिए, आप जो है इस प्रकार का ये जो बाहर से आई हुई मानसिकता है, इस मानसिकता से ग्रस्त होकर के यहाँ का माहौल मत खराब कीजिए, यहाँ का जो मुसलमान है वो पीछे जाना है तो फिर शिव जी तक और हजरत आदम तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से हम नहीं वो ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है, आपका डीएनए 1400 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, इस बात को मानिए, आपका डीएनए 1400 साल से पुराना नहीं हो सकता, ये तो आपकी किताब में होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर नहीं नहीं करोड़ों सनातनियों का डीएनए करोड़ वर्ष पुराना है, आप इसको स्वीकार करना चाहिए, हम इस बात पे हैं, किसी दो पक्षों की लड़ाई को धार्मिक स्थल पे लेकर के, और इतने पूरे नेरवा में भी आप जाके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। गौतम जी सनातनी बनो, सनातनी बहुत अच्छे होते हैं, मेरे ख्याल सैकड़ों दोस्त है यहाँ पे सिरमौर में सनातनी, जो हमें कहते हैं कि भैया सनातन धर्म, हम तो चाहते हैं कि आप भी सनातनी बनो और हमारे सामने मेरी बात पूछ लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात भी सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, ये जो आप बात कह रहे हैं हमारे डीएनए वास्तव में करोड़ वर्ष पुराना, और मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि ये जो आपने बात कही उसका मैंने आपको जवाब दिया, और ठीक है कमल जी ठीक है, ये विषय जो है कहीं भी जो है हिंदू मुस्लिम का जो आप लोग कर रहे हैं, हमने तो पहले कहा ठीक है कमल जी ठीक है, और